राष्ट्रपति महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का लंबी बीमारी के बाद महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निधन हो गया था। 89 साल के लेखक और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता अरुण गांधी का अंतिम संस्कार बुधवार यानी कि आज कोल्हापुर में किया जाएगा। 14 अप्रैल 1964 को डबरन में मणिलाल गांधी और सुशीला मशरूवाला के घर जन्मे अरुण गांधी एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपने दादा के नक्शे कदम पर चल रहे थे। अरुण गांधी बीते 2 महीने से कोल्हापुर के अवनी संस्था में ही रह रहे थे। आपको बताते चले कि किस संस्था में बच्चों के साथ हमेशा वो बात करके अपना वक्त गुजारा करते थे। वो बच्चों के बीच महात्मा गांधी जी की विचारधारा की बात किया करते थे। सोमवार को उन्होंने शाम तक संस्था में बच्चों के साथ वक्त बिताया। इसके बाद देर रात 11 बजे वो अपने रूम में सोने चले गए। सुबह 5 बजे के करीब उनकी तबीयत बिगड़ गई। दिल का दौरा पड़ने के कारण अरुण रूम में ही उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद संस्था में मौजूद बच्चे रो पड़े। बीते 2 महीनों से वो कमरे में ही रह रहे थे जहाँ उन्होंने अपने दादा महात्मा गांधी की तस्वीर लगा रखी थी। आपको बता दें कि आज है अरुण गांधी का अंतिम संस्कार, जिसकी आखिरी दर्दनाक वीडियो सामने आई है, जहां पर उनके अंतिम संस्कार पर कई लोगों का, कई बड़ी हस्तियों का जमावड़ा लगा है। और इस आखिरी दर्शन के लिए, अरुण गांधी के आखिरी दर्शन के लिए सेलिब्रिटी ही नहीं बल्कि कई बड़े पॉलिटिशियंस पहुंचे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।